अदम तहफ्फुज़ की वजह से पाकिस्तानी बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं, हमें इमदाद नहीं तिजारत के मौके देखने होंगे। मिसाके मईशत पर मुआहदे के लिए तैयार हूँ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इख्तिताम इजलास से खिताब। कहा, आप अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा, मैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज का भी इजहार ख्याल। निगरान सूबाई वजीर शेख मोहम्मद तनवीर, हामिद जमान, कामरान अरशद, असद शफीक समेत दीगर शख्सियात भी हमरा। आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए, चक्की आटे की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा, कीमत 160 से बढ़ाकर 170 रुपए किलो कर दी गई। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा 2600 रुपए का हो गया। बीआरपी नहर में डूबने वाले दो नौजवानों की लाशें मिल गईं। वसीम शाह और इरफान 3 रोज कबल नहर में नहाते उतरे, फिर वापस ना आए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें वर्षा के हवाले कर दी, घरों में कोहराम। पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद दिन भर नहर में नहाती नजर आती है। हुनरमंद कैदियों की सजा में 2 के बजाय 3 माह कमी का फैसला, तमाम बैरिक्स में 1 कूलर लगाए जाएंगे। कैदी को पैरोल पर रिहा करने का इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल को दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत जेलों में इस्लाहात पर इजलास, जेल कंटीन के फरसूदा निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। सरमायाकारों की हौसला अफजाई का फैसला, पेट्रोल पम्प्स के अरसे दराज से ज़ेरे इल्तवा 532 NOC जारी। सूबाई वजीर आमिर मीर के मुताबिक रिकॉर्ड की छानबीन के बाद 889 दरखास्तें मुस्तरद हुई। नए पेट्रोल पंप लगने से मुलाजमतों के हजारों मौके पैदा होंगे। LDA बजट की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल, स्कीमों और ऑन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए 37 अरब बजट तजवीज़। LDA सिटी के लिए 9 अरब रखने की तजवीज़, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कोई नया मंसूबा तजवीज़ नहीं किया जा रहा। महकमा एक्साइज का 43.5 अरब टैक्स वसूली का हदफ, माली साल के अख्तितम में 7 दिन रह गए, सिर्फ 38.80 अरब ही रिकवर हो सकी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रिकवरी सेल ने 7 दिनों में 1.20 अरब की रिकवरी की। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों का पाइन एवेन्यू मंडी में रश, व्यापारियों की बिजनेस क्लास डिमांड, खरीदारों की तनख्वाह दारों वाली बोली, भावताओ का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। मंडी में छोटा जानवर 75,000 से, बड़ा जानवर 1.5 लाख से 50 लाख तक दस्तयाब। ईद करीब आते ही शहर में मवेशी चोर सरगरम, गुलशन रावी में चोरों ने शहरी शेख जाहिद का बैल चुरा लिया, वारदात की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। कमिश्नर और DGLDA के गैरकानूनी कमर्शलाइजेशन पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत, मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, LDA कानून पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी के इजलास में केसेस का जायजा लिया जाए। चीफ टाउन प्लानर को केसेस मंजूरी के बाद के प्रोसेस को आसान बनाने की हिदायत की गई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से नेशनल पार्टी के वफद की मुलाकात, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, साबिक सेनेटर कबीर अहमद, ताहिर वजन जो शामिल, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़ेर एहतमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी कन्वेंशन चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, कोई सियासी जमात या एक शख्स मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकता, हमारी पार्टी वर्कर्स को साथ लेकर चलेगी। चौधरी शाफे हुसैन, इमरान भट्टी समेत दीगर शख्सियात का भी इजहार ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर का काम तेज, अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मंशूर कमेटी का इजलास, आमिर कयानी, इसाक खाकवानी, नूरेस शकूर, डॉक्टर मुराद रास की शिरकत, गुरबत के खात्मे, सनती और ज़रई शोबे की तरक्की पर तबादला ख्याल। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह अहमद, मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा, जवानों से रिहाइश खाने और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। DIG ऑपरेशंस की लॉजिस्टिक को अप टू डेट रखने की हिदायत, इलाज मुआवजे के लिए आए कॉन्स्टेबलान का मेडिकल केस बनाकर दफ्तर भेजने का हुक्म।
33वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल जेरे तरबियत अफसरान का सीपीओ का दौरा, वफ्द में 4 खवातीन समेत 14 अफसरान शामिल। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर से भी अफसरान की मुलाकात, यादगारी सीनियर्स का भी तबादला हुआ। यूथ पार्लियामेंट लाहौर कॉलेज के वफूद का भी सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी के वफद का सीपीओ ऑफिस का दौरा, डीजी डॉक्टर मोहम्मद रहीम की सरबराही में वफद की एडिशनल आईजी शहजाद सुल्तान से मुलाकात, मुस्तहिक अफराद को इंसाफ की फराहमी में कानूनी मुआवनत फराहम करने पर इत्तफाक। नैब लाहौर में पहली खुली कचहरी, डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने मुतासरीन के मसाइल सुने, जे मैग्नोलिया सोसाइटी के मुतासरीन की भी खुली कचहरी में शिरकत। लेक सिटी डाउनटाउन कमर्शियल बिल्डिंग्स का इफ्तिताह कर दिया गया, सीईओ लेक सिटी गौहर एजाज ने फीता काटा, सुल्तान एजाज, मोहम्मद तारिक शहजाद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर खान हमरा थे। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर की जेर सदारत इजलास, नून लीग ताजिर विंग की तंजीम नो के हवाले से तबादला ख्याल, काजा इमरान नजीर, रमजान सिद्दीक भट्टी, शुमाल अंजुम राना, तौसीफ शाह की शिरकत। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का गंगाराम हस्पताल की एमरजेंसी का दौरा, वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद कौंदल भी हमरा, मरीजों की अयादत की और सहूलियात का जायजा लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ट्रांसपोर्ट हाउस सामद, सेक्रेटरी उस्मान अली खान ने ब्रीफिंग दी, वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे में जल्द पेशरफ्त होनी चाहिए, अफसरान मैस ट्रांजिट पर खुद भी सफर किया करें, शहरियों की शिकायत का पता चल सकेगा। डीसी राफिया हैदर का फिल्टर क्लिनिक लिटन रोड का दौरा, डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की फ्राहमी, एमरजेंसी गायनी वार्ड का जायजा लिया, डॉक्टर्स और स्टाफ की अदम मौजूदगी पर शदीद इजहार बरहमी, गैर हाजिर स्टाफ को वार्निंग नोटिस जारी करने का हुक्म। फलटीज होटल में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के जेर तमाम तकरीब, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर काजा अहमद असान का इजहार ख्याल, प्रोफेसर शाहिद मुनीर, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, प्रोफेसर महमूद अयास, प्रोफेसर मोहम्मद अलीम समेत दीगर भी शरीक थे। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट की जानिब से एनर्जी सेक्टर को फ़रोग देने के लिए सेमिनार, माहिरीन ने जिद्दत को फ़रोग देने, चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली पर जोर दिया, डायरेक्टर डॉक्टर फ़ियाज़ अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर नुमान अहमद जफर की खसूसी शिरकत। पडाना में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ ने सैकड़ों मरीजों को मुफ्त तिब्बी खिदमत फराहम की, सफाई मुतवाजन गजा दिमाग जल्द समेत दीगर आजा की बीमारियों के बारे में खसूसी लेक्चर्स भी दिए गए। ईरान के सकाफती सफर से वापस आने वाले 18 रुकनी वफ्द के एजाज में तकरीब हुई, डीजी खाना फरहंग ईरान जाफर उनास ने इस्तकबाल किया, वफ्द के शुरका ने दौरा ईरान का अहवाल बयान किया। अंडर 16 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, दी स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी ने रहमान फाउंडेशन को 9 विकेटों से हरा दिया, किसरबट के शानदार 92 रन, मोहम्मद जिशान ने 67 रन की इनिंग्स खेली। और एमर्जिंग एशिया कप के लिए पाकिस्तान शाहीन टीम का ऐलान, मोहम्मद हारिस कप्तान, उमैर बिन यूसुफ नायब कप्तान मुकर्रर, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, मुबसर खान, मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में शामिल, टूर्नामेंट 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में खेला जाएगा।